मुझे ओरल बी वालों ने भेजा है कि सबसे खूबसूरत स्माइल जानने के लिए, तो हेमा जी यहाँ पे बैठी हुई हैं। आज इंडस्ट्री की दो खूबसूरत लड़कियाँ यहाँ पर हैं, पहली हेमा मालिनी जी और दूसरी मैं। थैंक यू सो मच मैम, प्लीज़ आपकी एक स्माइल देखने के लिए मैं पागल हूँ, थोड़ा सा हंस दीजिए। आप हंसिए ना। नहीं मैम, फिर उनको शो बंद करना पड़ेगा। सिर्फ आपकी स्माइल के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। यस, आपकी स्माइल मिल गई। वैसे हमारे ओरल बी की चीफ जो ऑफिसर है स्माइल की, वो है माधुरी दीक्षित जी, उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए, वो मेरी झलक की जज भी रही हैं। और थैंक यू सो मच मैम। और दूसरे जिनकी स्माइल की मैं पागल हूँ, वो है चिंता तच तच ता चिंता ता। हाय सर, हाउ आर यू? फाइन फाइन सर। व्हाट इज दिस चिंता ता चीता चीता? यू हैव नोन दैट लाठी से। ओह गॉड, चलिए रहने दीजिए सर, फैमिली शो। आई सी यू लाइक मी। ऑफ कोर्स। ला 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 ला। थैंक यू सो मच सर। सोनाक्षी ज्यादा मोटी है कि मैं? जोरदार तालियां बजा दीजिए प्रभु देवा जी के लिए। छुप गई। हाय कैटरीना। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैटरीना को पंजाबी बहुत अच्छी आती है। Just like how you do belly dancing very well. Same. Oh. कैटरीना के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू भारती, थैंक यू सो मच। हमारा बॉलीवुड, आपका बॉलीवुड, हम सबका बॉलीवुड। बंद करो ये बॉलीवुड बॉलीवुड लगा रखा है, चीटिंग। इसको निकालो आयुष्मान को पपिया कर करके बाहर। यार विरोधी मंच वाले फिर से आ गए। मैराडोना ने पहले किक मारी थी, अब तक लड़की यहाँ पे आ रही है। अच्छा ball. तुम क्या समझते हो, फ्रंट सीट की 5 टिकटें देके तुम अम्मा का ईमान खरीद लोगे? बंद करो ये बॉलीवुड चीटिंग है एकदम। ओके यार ठीक है, जानता था आप कुछ ना कुछ ऐसा बिल्कुल करेंगे, लेकिन क्या कर रहे हो यार, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। क्या बंद करो बॉलीवुड, व्हाट डू मीन बाय दैट? अरे जो दिखाते हैं वो होता ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं होता। पता था आप यहां पे जरूर आओगी। पुलिस बुलाई है मैंने। ऑफिसर टेक हर। कौन सा ऑफिसर? वहां से आया। अरे भारती जी, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ थैंक यू। मुझे एक ऑटो ग्रुप मिल गया? अरे जरूर जरूर, एक मिनट, मैं ऐसे नहीं रखिए। एक फोटोग्राफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेटे खींचो फोटो। थैंक यू। सर आपको आज के बाद अगर कोई भी तकलीफ हो जी जी तो मुझे फोन जरूर करना। जी सर, एक शो के बाद एक बंदा उठवाना है, प्लीज हेल्प करेंगे? हाय थैंक यू सर। पानी दा रंग देख, पानी का कोई रंग नहीं होता और यहाँ कोई दंग नहीं होता। अच्छा तुम क्या समझते हो कि फिल्में बनाने वाले से ज्यादा फिल्में बिगाड़ने वाले बड़े होते हैं, क्यों दोस्तों? शो के होस्ट से ज्यादा ना प्रोटेस्ट करने वाला बड़ा होता है, समझे? लेकिन फिल्मों से आपको प्रॉब्लम क्या है? बेचारी फिल्में बनते समय स्टार्स के नखरे से हो, उसके बाद थिएटर्स में पब्लिक का नखरा, उसके बाद प्रोटेस्ट करने वाले का नखरा, फिल्में तो चलेंगी नहीं ऐसे यार। वाह, एक फिल्म क्या कर ली इस बंदे ने, महेश भट्ट जैसी बातें शुरू कर दी है। पहले मुझे ये बताओ कि कहानी फिल्म का कोई बंदा यहाँ पे बैठा है, बहुत बड़ी कंप्लेंट है। कहानी के साथ क्या करूं, इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म यार। अच्छा, बेचारी विद्या बालन वक्त की मारी इतना बड़ा पेट लेके कितनी जगह भटकती रही, कितनी जगह भागती रही, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती कौन जिम्मेवार होता? भारती जी पेट तो आपका ही बहुत बड़ा। लेकिन इट्स ओके, लेकिन वो ही तो सस्पेंस था, दैट वाज अ सस्पेंस। वो प्रेग्नेंट थी नहीं, यही तो चीटिंग है। हमारी मम्मियां कितना दिल से जुड़ गई थी विद्या बालन के साथ, बच्चे तक का नाम सोच लिया था, ये भी सोच लिया था कि नामकरण किधर करेंगे, और वो पेट में नकली फुग्गा फुलाई घूमी फिरी। चीटिंग है ये, बंद करो चीटिंग। I completely understand, अब जो हो गया सो हो गया, आगे से नहीं होगा, promise. ऐसे कैसे नहीं होगा? एक था टाइगर, मैं अपने सारे कजन को फिल्म दिखाने लेके गई, मैंने कहा एक था टाइगर बच्चों के लिए है, जानवर सेफ, सेव द टाइगर होगा, लेकिन वहाँ एक था टाइगर क्या, एक थी बिल्ली का बच्चा भी नहीं था।
शंघाई शंघाई सुभाष घाई तक वहां दिखे नहीं। ये चीटिंग है, चीटिंग। जो बोलते वो दिखाते नहीं है। तेरी मेरी कहानी, कौन सी तेरी मेरी कहानी? उसमें कहानी नहीं होगी, तो किसी की कहानी थी ही नहीं। तो बर्फी भी आई थी रणदीप को। अरे बर्फी, बाप बताओ बर्फी से क्या प्रॉब्लम है आपको? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है? अरे बर्फी, वहां पे तो लड्डू का एक टुकड़ा तक नहीं था। ये चीटिंग है। जो फिल्मों के नाम होते वो होता क्यों नहीं है बीच में? भारती, अनुराग बासु डायरेक्टर है, हलवाई नहीं। इट्स ओके। लेकिन ये अनुराग जी ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? बर्फी, लड्डू, पेड़े, ऐसी फिल्में क्यों बना रहे हैं? पहले की फिल्में देखिए, मिस्टर इंडिया, ओहो हो, मदर इंडिया, चक दे इंडिया, और आज की फिल्में देखो, फिल्में अजीब से नाम, अय्या, मट्टू की बिजली का मंडोला, क्या है ये? व्हाट अ पोस्टर यार, व्हाट अ पोस्टर। लोअर बैक पे टैटू, देखो मगर प्यार से, वेरी हॉट। कहां पे टैटू? लोअर बैक। कितनी शर्म की बात है, लड़की के पीछे टैटू लगाया हुआ, देखो देखो अगर प्यार से। पूरा देश जानता है कि लड़की के पीछे सब लोग प्यार से ही देखते हैं, नफरत से नहीं। अच्छा, राउडी राठौर ने तो 100 करोड़ पूरे किए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहती है? अक्षय की इंग्लिश, हाँ उनको हंसी आई जाती। जो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं वो ज्यादा हंसते हैं। अक्षय की इंग्लिश कैसी थी आपको पता है? कैसी थी, क्या ऐसी इंग्लिश सीख के मैं नौकरी के लिए गई। थप्पड़ तो अलग से पड़े, ऊपर से नौकरी से भी निकाल दिया। सजेशन, जहाँ पे श्रीदेवी जी गई थी ना इंग्लिश क्लासेस सीखने के लिए, वहाँ अक्षय कुमार को भेजो अमेरिका, परफेक्ट। तो अमेरिका वाले हमें वापस भेज देंगे उनको इंडिया, और हमें कहेंगे डोंट एंग्री मी। क्या अब यहाँ क्यों है यार? वहाँ जाइए ना, मतलब बाहर जाइए, और वहाँ पे काफी इंसिडेंट्स हो रहे हैं। बच्चन साहब का 70th बर्थडे हुआ था, आपको इनवाइट किया उन्होंने? एक्चुअली बच्चन साहब ने खुद फोन किया था मुझे, कहते भारती मैं केक नहीं काटूंगा अगर आप ना आई तो। क्या करती मैं, क्योंकि बच्चन साहब सिर्फ एक ही शो कर रहे हैं, मैं बहुत सारे शो कर रही हूँ। तो मैंने हाथ से माफी मांग ली, मैंने कहा सर प्लीज मेरे पास डेट्स नहीं है, आप अकेले ही बर्थडे मना लीजिए। लेकिन इसके बाद जब कैटरीना ने नया घर खरीदा, आपको बुलाया? नहीं बुलाया होगा। कैटरीना ने घर ले लिया? घर ले लिया। और मलिका शेरावत ने पंजाबी सूट पहनने शुरू किया, आपको बताया? बेड़ा ही गर्क। और शाहिद कपूर ने हेयर स्टाइल चेंज किया, आपको बताया? नहीं। कितने ब्रेकअप्स हो रहे हैं, पैचअप्स हो रहे हैं, आपको बता ही नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा आपको? मैं अभी जाती हूँ, एक एक सबसे मिलती हूँ मैं। इन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम रुको मैं अभी आती हूँ। आयुष्मान, एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं तेरी हूँ। आप मेरी हैं? क्या बात कर रही है, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे क्यों हो सकती, अगर ये मेरी है तो मैं तेरी हूँ। आप मेरी नहीं हो सकते। आई नो आई एम लिटिल हैंडसम, बट इसका मतलब ये नहीं कोई भी लड़की आगे मुझे अब मैं तेरी हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। Who are you? अरे मैं मेरी कौम की बहन, तेरी कौम, हम दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। तेरी मेरी कौम के चक्कर में पूरा भारत बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, मतलब बहनें कुंभ के मेले में बिछड़ नहीं सकती क्या? भाई बिछड़ सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, कुंभ का मेला भाई बहन और नर नारी में भेदभाव नहीं रखता है, लेकिन यार ये काफी बॉलीवुड फॉर्मूला है, स्पोर्ट्स में कभी नहीं देखा गया। क्यों नहीं देखा? अरे मैं भी इसकी तरह बॉक्सिंग खेलती हूँ। क्यों मेरी बोलो ना। इन्होंने खाया नहीं इसीलिए इनकी आवाज नहीं निकल रही। यार देखो, हाँ बोला इन्होंने। देखिए ऐसा है, कुंभ के मेले में जो फॉर्मूला जो है बिछड़ने का, ये सिर्फ मूवीज में होता है, स्पोर्ट्स में नहीं होता है, ये मैं बोल रहा हूँ। अरे स्पोर्ट्स में बहुत कुछ होता है, अभी देखिए हमारे इरफान पठान, हरभजन सिंह, ये भी तो गेम में मिलते बिछड़ते रहते हैं। ऐसा है, लेकिन एक बात बताइए, मेरी कॉम की सिस्टर तेरी कॉम, वो बॉक्सर है, आप क्या हैं? अरे मैंने कहा ना मैं भी बॉक्सिंग जानती हूँ, है ना? इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, आपने इनको अवार्ड दे दिया? ये देखो, इन्होंने ना देश के ऑनर लेके आए हैं, ओलंपिक मेडल जीता, आपने क्या किया? मैंने, इन्होंने मेडल जीता तो मैंने भी तो सबका दिल जीता है ना। अगर आपको सम्मान चाहिए तो आपको कोई स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए, लाइक टेनिस, इट्स वेरी पॉपुलर टेनिस। अब मुझे पता कि तुम शीशियों में क्या बेचते थे। तुम जैसे लड़के, हम जैसी खूबसूरत लड़कियों को चाहते हैं कि हम टेनिस खेलें, छोटी छोटी स्कर्टें पहने, उछल उछल के मारे। क्या बकवास है, अंदर से तुम पूरे खुश हो रहे हो। तुम लोग
टेनिस को बदनाम करके रखा हुआ है, उसके पॉइंट को भी लव का नाम दिया गया है। अब देखो गेम में लव का क्या काम है।